दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी कि गोभी में, चाहे किसी भी टाइप की गोभी है, फूल गोभी है, पत्ता गोभी है, गांठ गोभी है, बंद गोभी है, जिस भी तरह की गोभी की फसल है और उसमें अगर पत्तों में इस तरीके से छेद बने हुए हैं जगह जगह पे, आप जैसा वीडियो में देख पा रहे हैं ये हमारी गोभी की फसल है, तो इस तरीके से है तो आप थोड़ा सा पास से देखिए और क्लियर देखिए कि आपको नज़र आएगा इंसेक्ट का प्रकोप है। थोड़ा सा भी डाउट लगे तो वहाँ से लीफ आप तोड़ करके देख लें। एक प्लांट की अगर एक दो लीफ तोड़ भी लेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना, लेकिन क्लियर हो जाएगा कि किस टाइप के इंसेक्ट का प्रकोप है। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ इस प्लांट्स में, ये देखिए, ओह माय गॉड। इससे क्या होता है, नुकसान क्या होता है कि जगह जगह छेद बना देते हैं तो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया रुक जाती है, प्लांट्स कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, भोजन नहीं बना पाएंगे और उससे क्या होता है, हमारी फसल है उसकी ग्रोथ रुक जाती है। और भी इसके बहुत ज़्यादा नुकसान होते हैं इंसेक्ट प्रकोप के, सभी लगभग किसान दोस्त जानते हैं कि इंसेक्ट के प्रकोप से हमारी फसलों में कितने ज़्यादा नुकसान होते हैं। तो ये इंसेक्ट का प्रकोप बहुत ज़्यादा नुकसान करता है और स्पेशली इस टाइम गोभी की फसल में सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो इनके लिए किसी भी टाइप का, चाहे इंसेक्ट हो, इनके लिए बहुत ही शानदार उपाय मैं बताऊंगी आपको। लोक प्लस इंसेक्टिसाइड आता है, जैसा आप पिक में देख रहे हैं, लेमडा साई हेलोथ्रिन 4.9% आता है CS फॉर्म में, जो कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल नहीं है। इसमें लेमडा साई हेलोथ्रिन 4.9% ही आता है और CS यानी कैप्सूल सस्पेंशन फॉर्म में यह है आता है, लिक्विड गार्डे फॉर्म में आता है। अगर इंसेक्ट का प्रकोप अभी शुरुआती स्टेज या बहुत ज़्यादा नहीं है तो इसकी डोज है 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से घोल तैयार करके और फिर स्प्रे करना है। अगर आपकी फसलों में ज़्यादा है तो फिर इसकी 1.5 ml प्रति लीटर के हिसाब से घोल तैयार करके फिर स्प्रे करना है। 1.5 ml से ज़्यादा यूज ना करें, 1.5 ml सफिशियंट होता है पर लीटर के हिसाब से। अगर आप 20 लीटर की टंकी से स्प्रे कर रहे हैं तो डोज रहेगी 20 ml और इंसेक्ट का प्रकोप ज़्यादा है तो 30 ml लेना है, 30 ml से ज़्यादा नहीं लेना है। अगर ये प्रोडक्ट नहीं मिल पाता है तो दूसरा बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है UPL का गुंथर, जिसमें आता है नोवालुरोन 5.25% और इमामेक्टिन बेंजोइट आता है 0.9% ऐसी फॉर्म में आता है। और UPL के गुंथर की डोज है 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से घोल तैयार करके स्प्रे करना है। जो गुंथर इंसेक्टिसाइड आता है यह है फ्रूट बोरर, स्टेम बोरर, डायमंड बैक मॉथ, कैटरपिलर, लीफ माइनर को भी कंट्रोल करता है, तो बहुत ही अच्छा इंसेक्टिसाइड है, इसका आप यूज कर सकते हैं। और भी अगर कोई क्वेरी है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपना सवाल पूछ सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और भी किसान दोस्तों तक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।